नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज भी मैं किसान आंदोलन में आया हूं और आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा, डेट और आज की। जैसे आज तारीख है 24, ये देखो सुबह का 24 तारीख है, बुधवार का दिन है, 7:15 का टाइम है सुबह का। और आज मैं कोशिश करूँगा लगभग पूरा दिखाने की कि भाई सरकार ने अनाउंसमेंट करी है, डॉक्यूमेंट के अंदर अभी कुछ नहीं है, जो तीनों काले कानून वापस लेने का जो दिया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस वीडियो की शुरुआत शुरू से ही, और बीच में पूरा कुछ जितना मेरे को नॉलेज, जितनी मेरे को पता है वो मैं बताऊँगा। और किसी भाई को बुरा लगे तो भाई देखो, मैं फील मत करना इस चीज़ को। तो यहाँ जैसे किसान है ना, अब पहले की बजाय ज़्यादा हैं, क्योंकि जो कनक की बिजाई थी, धान की कटाई थी, वो सब खत्म होगी। अब जहाँ पे जोन से एरिया ख़त्म हो रही, तो किसान वापस अपने आंदोलन पे अपने मोर्चे संभाल रहे हैं। तो ये बिल्कुल मैं बिल्कुल फिनिशिंग लाइन पे, स्टार्टिंग लाइन पे, सॉरी, दिल्ली की तरफ से अगर स्टार्टिंग लाइन पे देखेंगे तो जितना मेरे से यहाँ तक जैसे गाड़ी से आना मुश्किल था। और पूरा आंदोलन दिखाऊंगा पूरी वीडियो के अंदर आपको, कि भाई कितने किसान यहाँ बैठे हैं, जो कहते थे ना भाई चले गए, जो भी है कोई कहीं नहीं गया। ये सरकार के जुमले होते हैं हर बार, झूठ बोलना, ये सब करना, इसलिए किसानों का और मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास उठ चुका है भाषण देने की बजाय। ये है आखिरी, ये यहाँ पे बैरिकेड लगा रखे हैं, लेकिन ये आखिरी है एंड ये है अंत बिल्कुल। यहाँ से कहीं कोई बैरिकेड नहीं हटा और ये अपने किसान भाई बैठे हैं यहाँ पे सारे, क्योंकि जो मोदी है वो झूठा है, उस आदमी पे किसी को विश्वास नहीं है, झूठ बोल के उसने देश को गुमराह किया है। तो इसलिए किसान भाई बैठे हैं, जब तक इनका बिल नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। और इधर अपना ये पूरे टेंट लगे हुए हैं, इनके अंदर आदमी भरे हुए हैं। सुबह सुबह है, ठंड है भाई, देखो ठंड मेरे को भी लग रही है, पर आप लोगों तक अपडेट पहुँचाना ज़रूरी था, इसलिए मैं लग रहा हूँ अपडेट पहुँचाने आप लोगों तक कि भाई यहाँ किसान है अपना आंदोलन में ऐसे कैसे हैं। कुछ ना कुछ जैसे जो परसेंटेज है ना, 10 से 15% बड़ी है, वृद्धि हुई है, कम नहीं हुई। आपको और दिखा देता हूँ इधर से भी, इधर तो अपना जो ट्रैक्टर ट्रॉली वो खड़े हैं इनके सभी, और इधर ही अपना रेजिडेंस बना रखा है परमानेंट, अपना परमानेंट है लगभग, पक्के ही है भाई ये। इधर से जैसे ये आपको पीछे से आया था मैं, यहाँ से सारा ये पूरा बड़ा देखो, बहुत बड़ा हॉल है, इसमें आप रह सकते हो, पंखे हैं, एसी हैं, सब कुछ लगा रखा है। इधर फिर ये एक बैरिकेडिंग आ गई, और ये बैरिकेडिंग यहाँ से जाके ऐसे घूम के आ जाएगी इधर की साइड में, और यहाँ पे ये किसान बैठे हैं। पीछे वो टेंट देखो कि सब ये किसानों के टेंट है यहाँ। अब जैसे उधर से जाना रास्ता नहीं है, तो इसलिए मैं वापस चलता हूँ, अब इनके रेजिडेंस के बीचों बीच चलेंगे, जो कि अभी ठंड है तो सारे किसान भाई अंदर बैठे हैं। चलो, एक घमंडी का घमंड तो टूटा, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे दोनों तरफ टेंटों में आदमी बैठे हैं, हर जो व्यवस्था थी पहले से भी और भी ज़्यादा अच्छी है, साफ़ सफाई को लेके, वैसे खाने पीने को लेके, हर चीज़ को लेके पहले से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था बना रखी है अपने किसान भाइयों ने। ये तो अभी शुरुआत है, इधर अपना बहुत सारे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हैं, दिखा देता हूँ। पहले की बजाय जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं उनकी संख्या ना बड़ी है, ये नहीं भाई कोई कम हुई है। यहाँ से रास्ता मिल गया, ये देखो नया बम्पर है, ये घर से जाके वापस आया ट्रैक्टर, ये नहीं भाई यहीं खड़ा खड़ा बम्पर चढ़वाया है। तो जो किसान है वो पहले की बजाय अब यहाँ ज़्यादा बढ़ रहे हैं संख्या में। तो इधर अपना जैसे वो ट्रक खड़ा सामने, ये ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े यहाँ पे। अब दिन ब दिन है ना, जैसे किसान आ रहे हैं, कुछ अपना ट्रैक्टर ट्रॉली ले आ रहे हैं, कुछ वैसे गाड़ियों में बैठ के आ रहे हैं, क्योंकि इनका बहुत सारे जैसे इन्होंने अपना टेंट वगैरह मकान जो लगा रखे हैं प्रॉपर तरीके से वो सब। इधर ये देखो सामने वो लोहे की टीन थी, तो वहीं से आया था मैं घूम के। और इधर अपना ये लंगर सेवा चल रही है, जो कि सुबह सुबह चाय नाश्ते के लिए ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर ये स्टेज अपनी जो सेकेंड स्टेज होती थी बीच में, ये अपनी सेकेंड स्टेज थी, जो बिल्कुल एकदम सिंह बॉर्डर के बिल्कुल चौक पर है ये। तो ये देखो ये यहीं से था, मैं उधर गया था, तो ये इधर से इन्होंने पूरा बहुत बड़े बड़े जैसे इनके अंदर है ना, अभी सुबह सुबह ठंड है भाई, बाहर निकलना ठीक, अपना आराम से अंदर बैठो। यहाँ पे ये लंगर के लिए तैयारी कर रखे, लंगर के लिए ये दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ियाँ खड़ी हैं, पानी की सेवा, पानी का की जो सेवा कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट। और यहाँ से ये देखो बैरिकेड ऐसे घूमती हुई वहीं चली जाती है वापस, और इधर आगे सामने पुलिस है, और ये अपना पूरे ऐसे बैठे हैं, इनमें माताएं बहनें सभी हैं,
हर चीज़ की फैसिलिटी सुविधा है। और अब इसके बाद वीडियो मेरे को बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से चल के और अगले स्टेज तक जाने के लिए बीच में है ना, पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी है, जो कि वहाँ से रास्ता बंद कर रखा है। ये इधर अपना मेन चौक है, ये अपना नरेला की तरफ से लगा रास्ता, ये सामने पानीपत की तरफ से लगा, पीछे मेरे जो है वो दिल्ली की तरफ से ले जाता है। और यहाँ पर पूरी नींग से ना सब बैठे हैं, जो कि पूरी तैयारी के साथ में, ऐसा नहीं कि भाई इधर भी ट्रैक्टर ट्रॉली हैं सारे। और यहाँ पे ये लंगर सेवा चल, इसके जस्ट बाद बैरिकेटिंग है, वो सामने दिख रही है यहाँ से, यहाँ से ये बैरिकेटिंग है। इसके बाद ये पुलिस है, बीच में इन्होंने पूरा प्रॉपर रास्ता बंद कर रखा है पूरे का पूरा। और ये अपना नियंग से ना ये अपना खड़ी है तैयारी, अपना सुबह सुबह नहा रहे हैं बंदे, अपना बहुत सारे बंदे जैसे अपने बिस्तरों में ट्रोलियों के अंदर आराम से लेटे हैं, क्योंकि ठंड में बाहर निकलना थोड़ा ठीक नहीं है। और यहाँ पर ये पानी की सेवा के लिए पीने का पानी आरओ लगा रखा है, ये काफ़ी बड़ा जो पोलोथिन के नीचे है, ये बहुत बड़ा आरओ है, जो कि आपको आवाज़ सुन भी रही होगी। मोटर चली हुई है, इधर टंकी लगी हुई है, इधर पानी के लिए हर चीज़ की सुविधा है। यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली आए हैं अभी नए, इधर भी हैं अपना खड़े हैं। तो यहाँ से ये जैसे क्या है अब ख़त्म हो जाता है, इसके बाद मेरे को उधर जाने के लिए वीडियो को रोकना पड़ेगा। तो वहाँ से डायरेक्ट नीहिंग सेना दिखाऊंगा आप लोगों को, जो कि पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। यहाँ अंदर की साइड में भी जैसे किसानों ने अपना लंगर वगैरह के लिए चला रखा है पूरा सिस्टम। तो ये आखिरी बैरिकेट है, एंड है इसका। इसके बाद यहाँ से इन्होंने बैरिकेड लगा रखे हैं, ताकि कोई अनजान बंदा जो भी आए उससे पूछते हैं। तो इसके बाद दोबारा स्टार्ट करता हूँ नींग सेना से। ले भाई, अब बैरिकेड के मैं इस साइड आ गया, पानीपत की साइड में। अब इसके बीच में बैरिकेड लगे हुए, जैसे मैंने बताया था आपको, आगे चलेंगे तो वहाँ पर नींग सेना बैठी है अपना प्रॉपर तैयारी के साथ में। ये अपना घोड़े हैं, अलग अलग इस्तबल बना रखे हैं इन्होंने प्रॉपर बड़े अच्छे तरीके से। पूरा आगे जैसे बैरिकेड के साथ साथ ही अपना नींग सेना बैठी है, और आगे जैसे इनका खाने का है, रहने का प्रोग्राम चला हुआ है इधर पूरा पूरा उधर तक। और इधर जैसे घोड़े देख रहे होगा, और बड़ा अच्छा बैरिकेड इनका बड़ा अच्छा प्रयोग किया है, ऊपर सेट डाल दिया, और साथ में एक घोड़ा दूसरे घोड़े से अलग भी रहेगा। तो ये ऐसे ही यहाँ अंदर बैठे हैं सारे घोड़े भी हैं, नींग सेना जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में मोर्चा संभाले हुए बैठी है इस तरीके से। यहाँ पे ट्रक वगैरह जैसे जो चीज़ें पहले थी ना आज तक, पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई किसान अब बैठे क्यों हैं। भाई किसान, गवर्नमेंट कहती है हमने यहाँ तो कानून, काले कानून वापस ले लिए, पर ये किसान आज भी बैठे क्यों हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। ये यहाँ अपना नींग सेना है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है भाई। एक तो MSP जो हमारी फसल है उस पे रेट जो है उसका रेट किसान क्यों नहीं सेट करता कि भाई, एक तो पहले बात MSP कानून के लिए जो बैठे बंदे हैं आज, जो किसान आंदोलन में है किसान, वो MSP के लिए बैठा है कि भाई उसका निर्धारित मूल्य है, वो क्यों डिसाइड नहीं करता। क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी मशीन बनाती है तो वो अपना रेट अपने आप फिक्स करती है। तो किसान अपना जब फसल उगाता है तो ये क्यों नहीं अपनी जैसे कि वो करता, अपना रेट को निर्धारित क्यों नहीं करता ये। अब इसके बाद जैसे भाई मैं आपको गाड़ी में दिखाऊंगा और सारी बातें बताऊंगा, ऐसे ही चलते रहेंगे। यहाँ से ये रास्ता है, इधर से घूम के बीचों बीच निकलेंगे। एक तो सबसे पहला कानून है MSP का, जो कि MSP में किसान, गवर्नमेंट को MSP देना चाहिए किसान भाइयों को। दूसरा, MSP के साथ में जो अपने 750 से 800 जो किसान भाई शहीद हुए हैं यहाँ पर किसान आंदोलन में, तो उन किसानों को का जैसे उनको एक क्या कहते हैं, शहीद का दर्जा क्यों देना चाहिए। और जैसे ये चीज़ें हैं ना, बैठ के ही बात होंगी इनमें। उसके बाद जो अपने किसान हैं, जैसे मुकदमे हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने मुकदमे दायर किए हुए हैं किसानों के ऊपर, तो वो मुकदमे वापस लिए जाएं। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, वैलिड पॉइंट हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ज़रूरी हैं। इनके लिए वो कह रहे हैं हमारे से बात करें। ये इधर अपना आगे किसान भाई बैठे हैं, और इधर से अपना ये रास्ता है, जो कि ये मेन स्टेज है, जो साथ में इसके साथ में ये मेन स्टेज लगा हुआ है। मेन जो किसान भाई है इसलिए बैठे हैं, उनकी 6 डिमांड और भी बाकी हैं। अब सरकार ने ये वापस क्यों लिया है, किसान आंदोलन, किसान बैठे ये आंदोलन इसलिए नहीं लिया क्योंकि अब UP ये 5 स्टेट में इलेक्शन आ गए, उन इलेक्शनों के कारण इन्होंने वापस लिया। ये डर लगा इनको, पता लग गया, सर्वे में पता लग गया भाई आप फेल हो टोटली, आपकी सरकार नहीं आएगी, पता लगा ना, कुर्सी हिल गई। अब इनको लगा हाँ ये किसान है, जब स्टार्टिंग में किसान आया था तो इनको कोई खालिस्तानी बता रहा था, कोई पाकिस्तानी बता रहा था,
कोई चीनी बता रहा था, पता नहीं क्या क्या नाम इनको बेचारों को दिए थे। ये इधर अपना नींग सेना ने अपने घोड़े वगैरह बांधर बना रख खड़े कर रखे बांध रखे भाई यहाँ से, जैसे ऑपरेट करना भाई सेना को। और यहाँ पे आज भी डॉक्टरी सारी चीजें लगी हुई, डॉक्टर को लेके लंगर को लेके सब कुछ लगा हुआ है। चलो हम अपने वापस पॉइंट पे आते हैं। तो किसान वजह से बहुत सारे भाई मेरे को फोन करके पूछते हैं, भाई अब किसान क्यों बैठे हैं, तुम क्यों सपोर्ट कर रहे हो, तो ये वापस ले लिए। अरे भाई डरते ने वापस लिए हैं, ये वापस लेना नहीं है भाई किसी ने। अब आपको चुनाव का पता लग गया, चुनाव में हार के हो गई आपकी, तो आपने वापस ले लिए, ऐसा नहीं भाई। 11 महीने से बैठे हैं तो तब आपको नहीं दिखाई दिए थे किसान से, जब ये आए थे तब तो आप इनको आतंकवादी बोल रहे थे। अगर एक चीज देखी जाए तो आपने एक आतंकवादी की बात मान ली, तो इसका मतलब ये तो गलत है। अगर कल को ऐसे कोई भी आतंकवादी इकट्ठा होगा, इकट्ठे होंगे और वो अपने यहाँ आएंगे और उनकी वो आप बात मान लोगे, ये तो चीज गलत है भाई। ये मेन मुद्दा जो है ये इनके इलेक्शन आ गए यूपी के, अगर यूपी में आ रहे तो पूरे देश में आ रहे, और यूपी के सर्वे में ये टोटली नेगेटिव है, इनका 100% नेगेटिव है। इसलिए इन्होंने अपने काले कानून वापस लिए हैं, डरते ने कि भाई जब कुर्सी ही नहीं रहेगी तो क्या होगा। अब इनको अब इनके खिलाफ जब कह रहे भाई जैसे किसान वापस जाओ, क्यों जाएं भाई वापस। अब 29 फरवरी को जैसे गवर्नमेंट सरकार ने रास्ता रखा हुआ, रोका हुआ किसानों ने, नहीं रोका हुआ। अब भी देखो मैं गाड़ी लेके आया हूँ, मैं अगर चाहूँ तो बिल्कुल लास्ट बैरिगेट तक अपनी गाड़ी लेके जा सकता था, क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर से पूरा रास्ता है, फिर आगे चल के गवर्नमेंट के बैरिगेट लगे हुए हैं, ना कि किसानों के। किसानों ने अपना पूरा रास्ता दे रखा है, तो किसानों ने अब ना क्या उन्हीं कहा था यार, उन्हीं पे चला दिया। मेन बात ये थी कि भाई रोड जैसे कोर्ट के थ्रू इन्होंने जैसे भी जैसे तैसे करके इन्होंने करवाया, रोड किसानों ने जाम कर रखे, खोल लो। तो किसानों बोले जी हमने तो जाम कर ही नहीं रखे, खोल लो। गवर्नमेंट ने हटाने बैरिगेट्स वगैरह, तो गवर्नमेंट ने हटाए भी है बैरिगेट्स, ऐसी बात नहीं। गवर्नमेंट ने हटाए, दो बॉर्डर खोले, सिंगू बॉर्डर आज भी नहीं खुला हुआ। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ भाई, पूरे आंदोलन में कहीं से कोई भी चीज़ टस से मस नहीं हुई है। आज भी जैसे सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा ठंड का टाइम है, इसलिए सभी किसान भाई अपना अंदर बैठे हैं आराम से, आंदोलन में अंदर आराम से दुबके हुए सोड़ों में। जो बाहर निकल के काम भी इतना ज्यादा कोई है नहीं, जो इनका काम है, जिनकी ड्यूटी लगी है, वो बंदे अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो बाहर नहीं निकल रहे, अपना पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी को लेके, हर चीज को लेके। जैसे ये देखो यहाँ पे बैरिगेट है, सुबह से लेके शाम तक ये यहाँ पे ड्यूटी लगती रहती है, दो दो घंटे की, एक एक घंटे की। तो सभी किसान भाइयों की ये चीजें चलती रहती हैं। तो ये यहाँ से देखो बैरिगेट के बाद निकल गए, यहाँ से तो दिल्ली जाने का रास्ता आ जाता है, राई थाना आता है, और इधर से उधर अपोजिट साइड से जा सकते। लेकिन हमने किसान आंदोलन दिखाना है लोगों को कि भी किसान बैठे, ये सिर्फ MSP को लेके और किसानों ने जो शहीद हुए हैं उनको लेके, और जो किसान इस जो भाई किसान भाइयों के बाद जिन किसान भाइयों के ऊपर ये अपना लगा है, क्या कहते हैं इसको, कानून, ये जो मुकदमे लगे हैं, मुकदमे वापस लेना मेन करना, ये कारण है। और जो जेल में बैठे बेचारे उनको भी बाहर निकलवाना जरूरी है, क्योंकि सरकार ने इनको जबरदस्ती रोका किसानों को, और ये सरकार को परेशान नहीं करना था, जब सरकार ने इनको परेशान किया था। हाँ बाकी अब ये है भाई, इन्होंने अपने पक्के परमानेंट मकान बना लिए हैं, जो 11 महीने से ऊपर हो गया है, और 29 तारीख को दिल्ली में कुछ भी करना है। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सरकार ने तो घुटने इसलिए रखे हैं क्योंकि उनके इलेक्शन आ गए। मेन चीज़ तो इलेक्शन का है, इलेक्शन नहीं थे तो 11 महीने तक इन्होंने किसी का ही पूछ, क्योंकि इलेक्शन का भी ये चक्कर आया है, जितने भी इलेक्शन हुए लगभग हर जगह हार हुई है। कि भाई हार हुई है तो इसका मतलब यहाँ भी हार होगी, क्योंकि देखो ये देश के सच्चे किसान हैं जो ये बता रहे थे किसान नहीं है, ये तो बाहर से आए हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, राजनीतिक पार्टियों के बंदे हैं, ये तो वैसे है वैसे है। कहीं कोई राजनीतिक बंदा नहीं है भाई, सब अपने बिल्कुल फेयर किसान भाई हैं, प्रॉपर तरीके से सारे सभी के सभी। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे अब एक और चीज़ मैंने देखी थी, किसान आंदोलन से पहले किसी बंदे की जुबान नहीं खुलती थी, जुबान खुलती थी बेचारों की, बहुत सारे बंदों ने बोला लेकिन उनको जेल में डाल दिया। तो ये चीज़ें है ना, ऐसे वैधानिक है भाई, आपको संविधान भी बचाना है। अगर आप अपने देश के अंदर, वैसे कहने को लोकतांत्रिक देश है, और इसमें आप बोल नहीं पा रहे हो, बोलने की स्वतंत्रता है, बोल नहीं पा रहे हो। कुछ बंदे बोलेंगे भाई आप भी तो बोल रहे हो, भाई किसान आंदोलन से पहले किसकी हिम्मत थी जो बोलता था, बोलता थे बंदे, उनको जेल में डाल देते थे, KFC आ गया भाई अपना सामने, बोलते तो थे लेकिन उनको ना जेल में डाल देता है। इस तरीके से तानाशाही की तरफ, जैसे जो देश की जो डायरेक्शन थी वो एक तानाशाही सरकार की तरफ जा रही थी, धीरे धीरे हम एक तानाशाही की तरफ रुख होता चला गया था।
कि भाई बोलेंगे तो जेल में डाल देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन ये गलत डायरेक्शन है, गलत चीज़ें हैं ये, तो और गलत चीज़ को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे आप अपने फैमिली में हो या देश में हो क्योंकि देश भी हमारा। अब कुछ बंदे कह रहे हैं भाई जो शहीद होते हैं ना उनको ना देश के लिए जान देना होता है, और ये क्या क्या किसी बाहर के पाकिस्तान के लिए जान दी इन्होंने, जो किसान भाई जो शहीद हुए हैं वो भी तो देश के लिए लड़े हैं, जो काले कानून थे वो देश के लिए, देश के खिलाफ ही तो थे, देश की जनता के खिलाफ ही तो थे, उन्हीं के लिए तो लड़े हैं। अब जो भी लड़ रहे हैं, अब ये बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ अपना काले कानूनों को, जैसे अपना ये MSP है, MSP बहुत अच्छी चीज़ है भाई। जैसे आपने कोई भी फसल बढ़ाई, मैं इसको डिटेल में बताऊँ MSP का मतलब क्या है, आप कहीं भी ट्रैक्टर लेने जाते हो, क्या आप उसकी बोली लगाते हो ट्रैक्टर की कि भाई ये ट्रैक्टर इतने का लूंगा मैं, ये इतने का लगेगा, नहीं जी इसमें तो ये क्वालिटी ख़राब है, इसका तो पेंट टूटा हुआ है, हल्का पेंट नहीं लगा हुआ, तो इसका ना रेट कम लगा देंगे। जैसे अपने धान गेहूँ फसल जो धान जाता आज के टाइम में धान गया अभी लेटेस्ट, तो धान में कह देते जी इसमें तो नमी ज़्यादा है, इसमें तो कालापन है, इसमें अड़ंगा जाए, इसके लिए इसके रेट ना कम लगेंगे। ये चीज़ है क्यों भाई, किसान का भी तो फिक्स होना चाहिए। लेकिन ट्रैक्टर इंडस्ट्री वाला है, कोई भी इंप्लीमेंट हुआ कंपनी वाला है, वो सब कहते हैं भाई नहीं हमारा तो इतने रुपए का है। अब सुपर सीडर का ही ले लो, मैं आपको एक बढ़िया अच्छा उदाहरण दूंगा, सुपर सीडर का जो गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया वो किया है 210,000 रुपये, क्योंकि आप बिल रेट मांगते हो सब्सिडी मिलती है 210,000 रुपये में, और कंपनियाँ दे रही इसको 250,000 रुपये, ये 230,000 से लेकर 250,000 रुपये के बीच में दे रही है लगभग, लगभग ज़्यादातर इन्हीं में आ जाता है। तो ये किसान ने डिसाइड किया है, ये तो कंपनी ने अपना खुद का डिसाइड किया है। और अब बात आ गई भाई इतना ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये ज़्यादा कहाँ जाते हैं, इन्होंने पता है कानून में एक लॉ और बनवाया जैसे इनके उसमें दे रखा है कि भाई आप है ना सुपर सीडर्स में अगर कोई एडिशनल बेनिफिट दोगे ना तो आपको आप अपना रेट उसका एडिशनल ऐड कर सकते हो। और इन्होंने एडिशनल बेनिफिट पता क्या दिया आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किसान को, इन्होंने बोल दिया कि सुपर सीडर से ही ना रोटावेटर भी बन जाएगा, ये कह के बोला इन्होंने, ये दोनों तरफ बैठे हुए किसान अपने। लेकिन वो गलत है भाई, गलत चीज़ को आप देखो, कोई भी आपने किसी भी गुब्बारे में हवा भरी है और उस हवा को उस गुब्बारे को आप दबाते जा रहे हो, बार 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 दबा रहे हो और ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जी जिससे ना वो गुब्बारा फूटेगा ही फूटेगा, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि गुब्बारा तो एक लिमिट तक ही आप उसको दबा पाओगे हवा भरने। भाई ये देखो पक्के मकान है भाई किसान भाइयों के, ये अपना पक्के मकान है और ऊपर ईंटों से बढ़िया तरीके से बना रखे, ये नहीं भाई इन्होंने अभी कुछ शुरू दिन से ही है ये अपना बैठे हैं किसान भाई सारे हर जगह। तो कुल मिला के वो रेट है जो डिसाइड करती है कंपनी, तो किसान अपनी फसल उगाता है तो किसान को भी अधिकार है उसके खर्चे के हिसाब से, उसके हिसाब से उसका रेट डिसाइड होगा, इससे कम से कम रेट में कोई नहीं खरीदेगा। और अभी जैसे पीछे ही हरियाणा के अंदर हुआ था कि भाई बाजरे के ऊपर MSP भी था, देखो को सरकार की एक और घोटाला आ गई जो बहुत बुरा हाल किया है इन्होंने, ये होती है तानाशाही कि भाई सरकार के पास बाजरे का रेट था 2200-2250 रुपये के करीब था, तो उसमें जो सरकार का जो बाजरा भी क्या है इनका भी क्या है जो बाजरा सेल हुआ है, जो बाजरा सेल हुआ है वो किसानों का किया है मंडी के अंदर 1200 रुपये के, 1200-1250 रुपये, और उसमें भी बहुत सारे यही बोल दिया हम तो खरीदते नहीं जी, हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम खरीदेंगे नहीं, बहुत सारे बंदों को तो यही बोल दिया। चलो जो भी है, इन्होंने 1200 रुपये का जो अपना ये दोनों तरफ बैठे हुए यहाँ पे किसान 1200 रुपये पर क्विंटल बाजरा ले लिया, उसके बाद रेट तो उसका 2200 रुपये 2250 रुपये या 2200 रुपये था, तो फिर वहाँ ये 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 कम MSP कहाँ गया, तो गवर्नमेंट ने लोग किसानों ने आवाज़ उठाई, आंदोलन में साथ में बैठे थे किसान उठाई, भाई ये देखो जीता जागता उदाहरण है ये बिल्कुल एकदम करंट का, तो सरकार बोली 600 रुपये हमें ना अपनी तरफ से दे देंगे, जो किसान पक्के रजिस्ट्रेशन करवा रहे गिरदा पता नहीं क्या क्या होता है इनका, अपना गवर्नमेंट के रूल भी पता नहीं फद्दू वाले होते हैं ज़्यादातर, तो क्योंकि किसान की जो ज़मीन है उसी की भाई, उसमें वो रिटर्न में क्या करवाना है हर चीज़, हर बार बार आपको जाके पटवारी का काम क्या होता है, पटवारी का काम यही होता है किस फसल में क्या उगा रखे आपने किस खेत में, ये काम पटवारी का काम भी अब किसान ही करवाएंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें, तो 600 रुपये फिर भी 1800 रुपये हुआ, मतलब MSP होने के बावजूद भी ये हाल है। और जिसे जैसे UP है, मतलब हरियाणा और पंजाब को छोड़ के लगभग लगभग पूरे देश में कहीं MSP नहीं है, पूरे देश में MSP को ख़त्म किया गया है, इसलिए जो हरियाणा पंजाब का थोड़ा किसान समृद्ध है, थोड़ा पूरा नहीं, पूरा तो कहना बेवकूफ़ी होगी, थोड़ा सा समृद्ध है, पर और स्टेट के भी तो किसान है भाई, वहाँ पर भी तो उनको भी तो अधिकार है अपने जीने के खाने के हर चीज़ के, तो उसके हिसाब से
एमएसपी के लिए अभी जो लड़ाई चल रही है एमएसपी की चल रही है, मतलब अपना रेट अपने आप डिसाइड करे या फिर सरकार डिसाइड कर दे भाई इतना खर्चा लग जाता है, उसके ऊपर प्रॉपर एनालाइज करे उस चीज को, एनालाइज करके और उसमें फिर बताए सरकार भाई हाँ इतना खर्चा हो जाता है इस फसल की, इतना रेट तो होना चाहिए। जैसे हरियाणा के अंदर एमएसपी गेहूं पे और धान पे है लगभग लगभग, तो गेहूं का रेट फिक्स करती है गवर्नमेंट, भाई इससे नीचे गेहूं बिकेगा नहीं आपका चाहे कैसा भी है। अब फसल खराब होती है जैसे जो जिस किसी भी कारण से, तो उसमें किसान तो खराब नहीं करता भाई, जैसे अब बारिश आ गई इस बार धान कितना धान खराब हो गया बेचारे किसान भाइयों का, तो ये बारिश ठीक है बारिश है नेचुरल है ये, तो इसमें किसानों ने ये थोड़ा ना बोलेगा हमारी सरकार ने फसल खराब कर दी, ठीक है भाई होगी खराब लेकिन उसके ऊपर एमएसपी तो होना चाहिए भाई, जैसे फसल खराब हो जाती किसान की, मतलब एमएसपी में ये है आपकी फसल का दाना चाहे आपका पतला है मोटा है पर आपका जो रेट फिक्स हो गया गवर्नमेंट को उसी रेट पर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अच्छा दाना भी है जो वो भी तो उसी के हिसाब से जाएगा, मतलब सारी चीज़ें हैं लॉस एंड प्रॉफिट दोनों चीज़ें आ जाती इसके अंदर, तो कुल मिला के एमएसपी के लिए अभी लड़ाई लड़ रही है चल रही है अभी, और अभी हल्की हल्की धूप निकल गई भाई ये खुशी की बात है, मेरे किसान भाई बाहर निकलेंगे बैठेंगे सुबह सुबह धूप का मज़ा लेंगे आनंद लेंगे अच्छा लगेगा, और ये पहले दिन से ले गया अभी इन्होंने क्या है अपना जैसे टाटी वगैरह लगा गया सिक्योरिटी के पर्पज़ से सारी चीज़ों के हिसाब से, और अब अंदर की तरफ सारा स्टोर कर लिया सामान कि भाई जैसे यहाँ थोड़ा दिल्ली टच है जैसा भी है कुछ भी है एक्स वाई जेड वो कोई मतलब नहीं, बस सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी, हम घर पे रहते हैं तो घर में भी अपना चार दीवारी करते हैं प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी लगाते हैं प्रॉपर सारी चीज़ें करते हैं, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं तो। अरे ट्रक वाले का देखे बच्चे क्या कर रहा है, ना चलाना था छोड़ दे फोन पर लग रहा है और ट्रक पीछे जाता जा रहा है, ये देख लो भाई ये ऐसे गधे के बच्चे ड्राइवर हो जाए जो सभी ड्राइवरों को बदनाम कर देते, इसलिए मैंने पहले ही रोक ली थी गाड़ी, बेचारे का ट्रक घूम जाएगा आसानी से यहाँ जाम नहीं लगेगा, अरे कैसा आदमी है इन्हें फूंक देने ये भाई यहाँ से ये देखो भाई अब जाम लग गया भाई यहाँ पर ऐसे जाम लगता है, ये ट्रक वाला उधर से आ गया और इक्को वाला को तो मतलब ही नहीं होता किसी चीज से भी, सुबह सुबह सब बंदे जॉब में जा रहे हैं नौकरी में जा रहे हैं तो इसमें कारों का जैसे ज़्यादा प्रचलन हो जाता है, चलो जो भी है भाई सबको नौकरी में जाना है क्योंकि ये दिन मेरे अंदर से भी हैं, मैं भी जाऊँगा जब भी तो खैर चलो वर्क फ्रॉम होम चला हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है अब तो, पर आने वाले टाइम में तो जाना ही पड़ेगा दिल्ली में क्योंकि दिल्ली के अंदर जॉब है भाई अपनी जॉब तो करनी पड़ेगी, मेन है अपनी जॉब, यहाँ से जैसे ये अपने किसान भाई लग रहे हैं बैठे हैं इस पे ये तो अपने दोबारा मुद्दे बातें, क्योंकि दिल्ली की तरफ आप आओगे तो दिल्ली में तो जाम ट्रैफिक जाम तो एक मतलब कि बेसिक सी चीज़ है, ये तो होगा ही होगा चाहे कुछ हो जाए, तो भाई ये बैठे हैं किसान भाई यही है भाई जैसे अपनी सच्ची लड़ाई है इसमें कोई दो राय नहीं, और जो बेचारे शहीद हुए हैं जिनको चोट लगे जो घायल हुए हैं क्या वो अपने लिए नहीं हुए और उनके लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, सरकार ने तो अपना काम कर दिया अपनी वोट चाहिए थी वोट के लिए सरकार ने तो पता नहीं क्या क्या कर लिया, अब मतलब उस टाइम पे दबाने की कोशिश करी थी तानाशाही सरकार थी और तानाशाही में तो भाई ये ऐसे ही करते, मतलब कुल मिलाकर ये देश के सच्चे किसान शुरू दिन से ही थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, और अब जैसे मैं देखता रहता थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह में उसमें यही आया था भाई जो किसान हैं जो अपने आर्मी के ऊपर भी इसका इफेक्ट जैसे बताया जा रहा था कि भाई जो आर्मी में जो बंदे हैं मोस्टली सभी किसान भाई हैं किसानों के लड़के हैं वो अपने 20-20 साल के लड़कों के जैसे अपना वहाँ भाई शहीद हो जाते बेचारे, तो वो उन चीज़ों को कभी उनके लिए उनके खिलाफ तो इन्होंने कभी भी आंदोलन नहीं करे, तो वहाँ पर भी सेना में भी क्या जैसे एक थोड़ा सा इंटरनली एक वो बात चलती है भाई किसानों के साथ गलत किया जा रहा है, हमारे माँ बाप हैं वो सारे हमारे भाई बहन हैं उनके साथ गलत किया जा रहा है सरकार और हम इनके लिए लड़ रहे हैं सरकार के लिए सरकार में हम नौकरी जॉब छोड़ रहे हैं, जो भी इंटरनली एक जैसे एक हलचल सी हो गई थी, ये देखो भाई TDI मॉल आ गया है सामने, ये TDI मॉल आ गया ये इधर इनिंग सेना बैठी है पूरा अपना घोड़े वगैरह लेके प्रॉपर पूरी तैयारी के साथ में, जैसे इनके अपना दो ग्रुप में ये बंदे बैठे हैं तो बड़े नुकसान की बात शायद ये नहीं नहीं ये जो भी बनाई ऐसे रखी झोपड़ी ऐसे ही बना रखी और जो भी है मतलब ये नहीं सेना बैठी इधर अपना सारा
पीडीआई मॉल में आज भी हर चीज की तैयारी के साथ में इन्होंने अपना पूरा टट्टी वगैरह लगवा के प्रॉपर तरीके से रहने का, घोड़ों के लिए हर चीज का बंदोबस्त किया हुआ है। अब ये यहाँ से देखो हर जगह आपको पूरा किसान शुरू से लेके एंड तक आज भी ऐसे का ऐसे है, जो एक अत्ता बंदा किसान नहीं, मतलब जैसे किसान नहीं जाएंगे भाई, ये अपना एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे मैं कहूँगा भाई, पहले तो कहते थे सर कि ये इन्होंने कहा भाई हरियाणा पंजाब का किसान आंदोलन है, हरियाणा पंजाब का नहीं भाई, ये पूरे देश का है और पूरे देश का ऐसे है ये कि एमएसपी तो पूरे देश को ही चाहिए भाई, एमएसपी तो किसी एक बंदे को नहीं चाहिए। अब एमएसपी की बात करें तो हरियाणा पंजाब के अंदर तो पहले से ही है, तो कुल मिला के सभी पूरे देश के किसानों का साथ था इसमें और आज भी है और आगे भी रहेगा। पूरे देश के किसान हैं ये नहीं कि एक बंदे, ये देखो इधर अपना ये मॉल है, यहाँ पे पूरा बंदे सारी चीज़ें बैठे हुए हैं, सिटी है कोई, ये आगे चल के तो इसमें पूरे यहाँ दोनों तरफ बैठे हैं ये किसान भाई, दोनों तरफ। इधर भी देखो, इधर तो आपको हमेशा मिलेंगे चाहे कुछ हो जाए, आप एंड तक चले जाना यहाँ मिलेंगे। इधर भी बैठे हैं और जो किसान भाई बधे हैं, जो कि अभी जैसे धूप निकली है थोड़ा कड़का भाई, जैसे ठीक है आराम से नहीं उठेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने हैं वो अंदर बैठ के पढ़ लेते हैं, बाहर निकलने की जरूरत क्या है भाई, न्यूज़ ही तो न्यूज़पेपर ही पढ़ना है जिस बंदे को, तो वो अपना आराम से अंदर बैठ के पढ़ेगा, बाहर निकलने की जरूरत क्या है, अपना पढ़ के आराम से 9-10 बजे निकलेंगे जब गर्म हो जाएगा। और बुजुर्ग हैं आदमी, जैसे यहाँ अपने बुजुर्ग बैठे हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो जवान थे भाई हैं वो अब दोबारा बढ़ रहे हैं। ये देखो सारे किसान भाई अभी ताजे अभी आए हैं, और जो जैसे अपना कणक की बिजाई, अब ये यहाँ पर फ्लाई ओवर आ गया, अब इसके बाद थोड़ा सा गाड़ी तेज चला देते हैं भाई, आपको दिखाते ट्रैफिक, ये है दिल्ली का ट्रैफिक, सब दिल्ली जाने लग रहे जॉब पे, बाकी एक आधा गधा ही होता है गाड़ी चलानी आती तो सामने ला के खड़ी कर देते हैं। ये एक फ्लाई ओवर का काम चल रहा है, इसलिए किसान भाइयों ने जैसे ना गवर्नमेंट को ये सोच बोला था कि भाई ठीक है आप अपना फ्लाई ओवर वगैरह कंस्ट्रक्शन को हम नहीं रोकेंगे, आप अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। अब वो या तो ठेकेदार बताए या तो सरकार बताए भाई कहाँ भाग गया, आगे तो काफ़ी फ्लाई ओवर वगैरह बन गए हैं इन चीज़ों को देखा जाए तो। सरकार भाई झूठी है, हम तो यही कहेंगे भाई, वो टिकेत ने बोला था ना तो बीमारी है थोड़ी सी, लंबा से इलाज चलेगा भाई, दवाई देंगे फिर दोबारा उसको रिएक्शन करेगी, दोबारा फिर टेस्ट होंगे फिर दवाई देंगे, लगाएंगे 3-4 साल लग जाएंगे इस दवाई को इंजेक्शन लगने में, प्रॉपर जो प्रॉपर ठीक होने में, जो बीमारी है दिमागी बीमारी वो ठीक हो जाएगी सरकार की, तो ये यहाँ से फिर दोबारा किसान स्टार्ट हो जाते हैं। अपना फ्लाई ओवर ख़त्म हुआ तो अपना किसान दोबारा स्टार्ट हो गए, लंगर लगे हुए हैं हर जगह पॉइंट पे। और इसके बाद ये देखो इधर भी अपना किसान बैठे हैं मॉल में, इधर ये सामने, ये अब यहाँ पे जैसे दोनों तरफ से थे अभी यहाँ पे इधर बैठ गए सारे, क्योंकि रोड थोड़ा खाली चौड़ा भी हो जाए इसलिए सब किसान भाई यहाँ बैठे इधर भी साइड में। ये देखो आगे से देखो आप, इधर भी बैठे हैं और इधर भी बैठे हैं, अभी यहाँ से जैसे दूसरी साइड बैठ गए ताकि वहाँ जो खाली जगह थी फ्लाई ओवर के सामने वाली जो जगह वो खाली पड़ी थी। और देखो ये बड़ी अच्छे तरीके से बांस वगैरह लगा के बहुत अच्छी, देखो कितनी ग्रीनरी बढ़िया बना रखी इन्होंने, फूल वगैरह लगाएंगे अब इन पे अपने सीजन के हिसाब से। अब यहाँ पे दोनों तरफ बैठे और ये लंगर है भाई 24 घंटे चलने वाला लंगर है, ये वाला लंगर जो है 24 घंटे चलने वाला है, जो कि यहाँ पे ट्रक खड़े रहते हैं अपना किसी जैसे किसी गुरुद्वारे का ही होगा। ये है भाई सारी चीज़ें, ये अपना इधर टेंट वगैरह लगा रखे हैं। अब फिर जैसे क्या है यहाँ पे एक गंदा नाला है, ये अपना जो सोनीपत का जो गंदा नाला है वो आ जाता है यहाँ पे, तो उसके फ्लाई ओवर गंदे नाले से थोड़ा दूर बैठना ठीक है भाई, गंदगी बदबू स्मेल लेनी जरूरी नहीं है हमें, तो किसान भाई अपना। और सबसे बड़ी बात तो इनको तो ज़्यादा स्मेल, किसान भाई को तो ज़्यादा स्मेल आएगी क्योंकि भाई वहाँ तो बड़ा साफ सुंदर हवा, साफ सुथरी हवा होती है, ये हमारे जैसे ही फंसे रहते हैं दिल्ली जैसे शहर में। ये देखो यहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट हो गए किसान भाई, और यहाँ से रोड के दोनों तरफ स्टार्ट हो गए, ये नहीं कि एक ही साइड में, इस तरीके से इन्होंने लगा रखे अपना सारा सिस्टम। और उधर भी देखो ये अपना, ये देखो भाई किसान भाई बाहर बैठ के, सामने हल्का सा थोड़ा कम दिखाई देगा, उधर भी बैठे हैं रोड के अब दोनों तरफ बैठे, उधर भी और इधर भी किसान भाई, उधर से उस साइड में बैठे हैं उस साइड में भी और उस साइड में रोड के उस साइड में भी। अब इधर ये जैसे मैं इधर से चल रहा हूँ, अब आगे चल के यहाँ क्या है थोड़ा ऊंचा नीचा है, रास्ता भी देना भाई किसान जो आदमी डेली पैसेंजर, ये देखो उधर बैठे हैं अपना रसोई ढाबे के पास में, तो रास्ता भी देना है उनको जाने जाने के लिए। इधर देख लो ये
जी जो बंदे ड्यूटी पर जाते हैं आते हैं सुबह, तो मैं ड्यूटी पर जाता था तो जाते टाइम तो देखो सुबह मेरे को भी ऐसा ही होता था, भागले भागले जल्दी होती थी, और शाम को जैसे किसान आंदोलन रुक के जाता था, बैठ के जाता था, बातचीत करके जाता था, अपडेट भी है देनी है लेनी है, भाई क्या क्या चल रहा है, किसने क्या बोल लिया, जैसे चाय का लंगर सारी चीज़ें आज भी चली हुई है। अभी ये देखो यहाँ से दोनों तरफ बैठ के आगे किसान भाई, अब ये लगभग एग्जिट पॉइंट है, ये लगभग लगभग अभी तो काफ़ी है कर वैसे आधे किलोमीटर किलोमीटर के करीब है एग्जिट पॉइंट, और फिर भी यहाँ पे बैठे अपने किसान भाई दोनों तरफ बड़े अच्छे तरीके से, अपने टेंट वेंट लगा के सारी चीज़ें सब कुछ रेडी है। 29 तारीख का जो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है भाई 29 तारीख को दिल्ली जाएंगे हम, सरकार के कानूनों के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, वो ये नहीं कानून तोड़ के नहीं। और भाई सबसे एक और चीज़ बताऊँ मैं, जैसे मैं आता जाता रहता हूँ यहाँ से आंदोलन के अंदर से दिल्ली जाना आना होता मेरे को, तो बारिश ने फसल तो ख़राब की कि इनके अपने बेचारों के टेंट भी जैसे उखड़ गए थे, बहुत बुरा हाल हुआ भाई, दुर्गति हुई बहुत बड़ी दुर्गति हुई कि जैसे टेंट, बारिश है हल्की हल्की ठंड होती थी और उसमें बारिश आंधी आ जाती थी, आंधी में जैसे इनके बेचारों के गिर जाते थे, ट्रोलियाँ हैं जो अपना घर पे लेके अपना कनक जैसे हर चीज़ का जैसे मशीनरी को, अब जैसे धीरे धीरे ना किसान वापस आ रहे हैं अपना ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में, ये देखो यहाँ पर खड़ी है ट्रैक्टर ट्रॉली, इधर भी और भी खड़ी हैं चीज़ें अलग अलग, तो वही है अब किसान दोबारा फिर बढ़ रहा है। और जैसे मतलब पहली बात तो किसान हिले ही नहीं, अब न्यूज़ वाले भी बेचारे जो है ना गोदी मीडिया जो इसको बोलते हैं लोग, वाकई में बहुत गिरे हुए आदमी हैं यार वो, तुमने यार थोड़ी शर्म करनी चाहिए, दो पैसों के लिए तुम अपना ज़मीर बेच देते हो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या तुम्हारे पास? सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती है आदमी, खुद की अपनी एक इज्जत होती है, उसके लिए तो जी लिया करो कम से कम। ठीक है भाई पैसा एक अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कहता पैसा कमाना कोई बुरी बात है, पर इतना उसके पीछे अंधा मत हो कि अपना जैसे परिवार है अपने बच्चे हैं उनको सबको छोड़ दो। ये देखो भैया अब हम लगभग एग्जिट पॉइंट पर आ गए हैं, लगभग अभी भी बचा हुआ है क्योंकि मैं 30-40 की स्पीड पे चल भी रहा हूँ, 35-35 की स्पीड पे, तो उसके हिसाब से अब मेरे को दूसरी साइड जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हाईवे स्टार्ट हो जाए। किसान अब भी बैठे भाई, ये मत सोच ना किसान नहीं बैठे, और एक और चीज़ बताता हूँ मैं, बीच में वीडियो बंद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आगे चल के किसान वहाँ भाई बैठे हैं, किसान भाइयों की कोई कमी नहीं है यहाँ बॉर्डर पर आज भी, बल्कि एक नया टेंट और लगाया है अभी 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 ये देखो भाई ये बैठे अभी किसान भाई, ये रास्ता आ गया मैं मानेसर जयपुर वाला वाला KMP जो क्रॉस करके बैठे जो किसान भाई, ये देखो और ये यहाँ पे बैठे हैं। इसके बाद KMP के बाद एक टेंट और नया लगाया भाई, पहले ये टेंट था नहीं, अब ये बंदे जैसे वापस आए हैं इन्होंने अपना टेंट लगा दिया अपना दोबारा से, अभी दिखाऊंगा सर थोड़ा सा सब्र करो भाई, ये माने चलो ये सामने ही है बिल्कुल, ये KMP दिखाई दे रहा है आपको ऊंचा फ्लाई ओवर जो है, और इसके बाद यहाँ पे पुलिस का बैरिकेडिंग है, ये पुलिस का बैरियर ये है भाई, ये जो बना हुआ है टाटी बनी हुई है पुलिस की बनी हुई है। उसके बाद ये जो किसान अभी आए हैं ये बिल्कुल जस्ट नए आए हैं, ये जो बैठे ना ये यहाँ पे, थोड़ा स्लो कर लेता हूँ मैं गाड़ी को, ये जो किसान आए ना ये अभी जस्ट नए आए हैं, ये वाले किसान, ये वाला जो जत्था है ये अभी नया है एकदम पूरा पूरा जत्था, शायद ग्रुप को भी बोलते होंगे जितना मेरे को पता है, मैं तो उतना ही बता पाऊंगा भाई क्योंकि हर चीज़ मालूम। ये देखो ये अभी यहीं आए हैं, और अब इससे आगे तो भाई क्या है किसान, अब थोड़ा सा वो बहुत आगे चल के हैं, वो वीडियो मैं दोबारा बनाऊँगा जैसे कि आगे चल के, बीच में कट कर लेता हूँ मैं वीडियो को। ये भाई यहाँ पर बैठे हैं अभी ये जो कि बालगढ़ के जो पास में बैठे थे किसान, वो आज भी बैठे हैं यहाँ पर, ये नहीं भाई नहीं बैठे हैं, ये देखो पूरा अपना टेंट वेंट लगा के पूरा शुरू दिन से ही है, ये तो गए ही नहीं थे घर पर, तो मैंने बताया था लास्ट टेंट वो अभी नया लगा है, बाकी ये शुरू दिन से ही है और यहीं पर बैठे हैं शुरू दिन से ही अपना किसान आंदोलन में। जैसे भाई ये बालगढ़ तक हैं, जैसे जो बालगढ़ से निकलते ही दिल्ली की तरफ चलते हैं तो वो जो टेंट होते थे इनमें भी अब आदमी बढ़ गए हैं बहुत सारे, ऑलमोस्ट जैसे पहले से डबल हो गए हैं, और ये कह रहे हैं भाई जो किसान आंदोलन में जो मैंने बात की थी अब ये ख़त्म हो गए, यहाँ पर ये लास्ट टेंट था इसके बाद ख़त्म हो गए। ये सामने फ्लाईओवर जो दिखाई दे रहा है ये झज्जर से मेरठ वाला रास्ता है,
कुल मिला के अब ये जैसे आंदोलन में है ना, ऑलमोस्ट दो दिन के बाद कह रहे हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा 26 जनवरी जैसा ही प्रोग्राम दोबारा होगा दिल्ली में जाने के लिए। तो ये था भाई किसान आंदोलन का अपडेट आज की डेट का, और अगर और कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों के लिए अपडेट भेजता रहूँगा। और भाई जैसी वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट करें, ज़रूर बताना, कोई गलती हुई है तो माफ़ी भाई, गलती हो गई हो, कुछ निकल गया मुँह से तो गलत निकल गया, किसी बंदे को ठेस पहुँची हो उसके लिए मैं गलती मानता हूँ अपनी, सॉरी बोलता हूँ उसको। तो यही था भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना अपना सपोर्ट। ठीक है भाई, थैंक यू सर।